जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच अब तक हुए हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, यानी कि आज से पहले जब जब ये टीमें भिड़ी हैं तो क्या हमें रोमांच देखने को मिला है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन मारे हैं एक दूसरे टीम के खिलाफ। दोस्तों पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियन IPL 2021 मैच नंबर 17 में इनका मुकाबला है। और अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड मुकाबले की। अब तक IPL के इतिहास में ये दोनों टीमें 26 बार आमने सामने भिड़ चुकी हैं, जहां पर 12 बार पंजाब किंग्स जीती है और 14 बार जीती है मुंबई इंडियंस। अगर बात करें इंडिया के मैदानों की दोस्तों, तो इंडिया के मैदानों पर इनके 22 मुकाबले हुए हैं, जहां पंजाब किंग्स 10 मैचेस जीती है तो वहीं मुंबई इंडियंस 12 मैचेस जीती है। लेकिन मैदान अगर बदल जाता है और देश बदल जाता है तो पंजाब किंग्स टीम और हावी हो जाती है, जिसमें 4 मुकाबले हुए हैं इंडिया से बाहर, यानी कि UAE और साउथ अफ्रीका के मैदानों पर। वहाँ पंजाब किंग्स 2 मैच जीती है और मुंबई भी 2 मैच जीती है, यानी कड़ी टक्कर देती है पंजाब किंग्स। लेकिन बात करें अगर एवरेज स्कोर की, जो आज के मुकाबले में देखने को मिल सकता है वो 165 का एवरेज स्कोर निकलता है दोनों ही पारियों में, यानी फर्स्ट इनिंग में अगर कोई भी टीम खेले तो। बात करें सबसे खतरनाक बल्लेबाज की जो पंजाब से हो जाता है, वो है KL राहुल। 383 रन मारे हैं अब तक अकेले KL राहुल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। और वहीं सबसे खतरनाक अगर बल्लेबाज की बात करें जो मुंबई इंडियंस से हो जाता है, वो है किरण पोलार्ड। इन्होंने 498 रन मारे हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ। और सबसे खतरनाक गेंदबाज की बात करें तो वो हो जाते हैं मोहम्मद शमी। इन्होंने अभी तक 8 विकेट चटकाई है मुंबई के बल्लेबाजों की। और सबसे खतरनाक अगर मुंबई इंडियंस के गेंदबाज की बात करें तो वो हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने अभी तक 17 विकेट चटकाई है दोस्तों। ये बहुत शानदार रिकॉर्ड है दोस्तों। ये सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ये देखकर दिल खुश होता है। वैसे विदेशी खिलाड़ी को भी उतना ही मौका मिलता है जितने भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन 4 ही विदेशी खिलाड़ी एक समय एक टीम में खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का नाम है पोलार्ड दोस्तों, कह सकते हैं बहुत शानदार। और पिछले कई सालों से मुंबई इंडियंस से खेले हैं, जिसकी वजह से उनका हर टीम के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन होगा। पंजाब किंग्स इकलौती नहीं होगी, लेकिन आज के मैच में उम्मीद करते हैं कि एक घमासान मुकाबला देखने को मिले और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मुकाबला जाए। इस सीज़न हमने अभी तक एक भी सुपर ओवर नहीं देखा और उम्मीद रखते हैं कि आज के मैच में कुछ ऐसा ही कमाल देखने को मिले। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।